हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं और हमारी लाडो भी अच्छी हैं। अभी दिखा रहे हैं, वो देखो खेल रही हैं। तो दोस्तों, आज हम अपना ब्लॉग 2 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। तो दोस्तों, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी और दोस्तों बारिश बहुत हो रही है। हमारे यहाँ 3-4 दिनों से बारिश हो रही है, इसकी वजह से लाइट नहीं आ रही थी। तो हमारे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, इसलिए हम सुबह से ब्लॉक नहीं स्टार्ट कर पाए। अभी आई तो बैटरी चार्ज किया है। देखो, लाडो आप लोगों को आवाज़ दे रही है। हेलो करो दोस्तों को। हेलो, ये रहे लाडो के पापा। हेलो करो, हेलो करो। और ये रही लाडो। मेरे बच्चे में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है आप लोगों को देख के, कैमरा देख के बहुत खुश हो जाती है। आ जा 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 जा। चलो चलो, तो चलो दोस्तों को हेलो करो। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? हेलो टाटा दोस्त, टाटा टाटा दोस्त, टाटा कैसे हो आप लोग? हेलो, मैं अंबिका हूँ। मैंने काजल लगा लिया, तेल लगा लिया है और अच्छी अच्छी फ्रॉक पहन ली है। आज हमारे यहाँ बहुत ठंडा मौसम है। हाँ, बहुत ठंडा मौसम है हमारे यहाँ। तो हमारी मम्मी जा रही है दोपहर में खिचड़ी बनाने, मूंग दाल बनाने जा रही हूँ। खिचड़ी नहीं है ना, मूंग दाल बनाने जा रही है ना मम्मी। ओ तो दोस्तों जा रहे हैं मूंग दाल बनाने। इनके पापा के मुंह में आ गया छाला, तो उसमें मैंने तूतिया लगाया है भूज के, नीला थोथा भी बोलते हैं उसे, तो उससे सही हो जाएगा। और इन्हें मूंग दाल खिलाऊं तो थोड़ा पेट को राहत मिलेगी, तो जल्दी सही होगा। अंबिका पापा बताओ फिर कौन सी दाल बनाऊं, बिना छिलके वाली? बनाओ या करो। सो गाइस, हम छिलके वाली मूंग की दाल बना रहे हैं। छिलके वाली ज्यादा पोषण होता है, इसमें पोषक तत्वों से भरपूर होती है। वैसे मूंग की दाल मैं खाती ना थी पहले, पर अब खाना शुरू कर दिया मैंने। अब क्या 2 साल से ही खा रहे हैं मूंग की दाल। पहले तो कहती थी मूंग की दाल कौन खाए, मरीजों वाला खाना। पर अब तो मूंग दाल ही अच्छी लगती है। देख लो यार, बिखेर दिया लाडो ने, ये देखो। अब इसकी समेटा समेटी करूं और खा भी लिया। बेटा कच्ची नहीं खाते हैं, अभी हम इसे पकाएंगे ना, फिर खाएंगे हम लोग पकाने के बाद। हाँ, पकाने के बाद ऐसा करते हैं, थोड़ा सा चावल भी मिक्स कर देते हैं तो लाडो के लिए खिचड़ी टाइप से बन जाएगा। देखो तुमने गंदा कर दिया ना। पापा खाएंगे, मम्मी खाएंगी, लाडो खाएंगी और हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर खाएंगे ना। कौन खाएगा? अंबिका के प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर खाएंगे मूंग दाल। तो गाइस, मैंने एक तरफ चढ़ा दी है खिचड़ी और एक तरफ मैंने चढ़ाया तेल। लाडो के पापा यार ये लाए थे बाजार से, वो बाहर बिकते ना चुंगला, क्या बोलते हैं कचड़ी, तो वो बाहर के तेल की होती हैं, बच्चे को नुकसान देंगी। तो ये मैं सरसों के तेल में घर पे भूल दूंगी। सरसों का तेल शुद्ध होता है, घर का तेल है, तो मैं उसमें ये तल दूंगी। मतलब ये थोड़ा नमकीन होता है, इससे ये खाती है। थोड़ी बहुत देर के लिए मन इसका बहल जाता है, इसमें हम उतनी देर में अपना काम निपटा लेते हैं। अभी ये रोज आ रही हैं कि छकल देख लो इनकी छकल, मम्मी के बेटे की छकल देख लो। निकल निकल, ये तो खाओ, ये तो कौवा, देखो देखो यार डर लग रहा। सीलन चढ़ गए, सीलन चढ़ गए इनमें। ये भूलती मैंने लाडो के लिए कचड़ी और लाडो का रिएक्शन देखो। अंबिका 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 कचड़ी चाहिए, कितनी खुश है। देखो कितनी खुश है, मेरा बच्चा बहुत खुश हो गया।
अंबिका खाएंगी है? अंबित को चिड़ी खाएंगी पहले पप्पी तो मम्मी को ऐसे ना मिलेंगे बेटा, हर चीज का मोल चुकाना पड़ता है, फिर मम्मी को प्यार करना पड़ेगा आपको, तो हम देंगे नहीं, तो जाओ पहले पप्पी करो मम्मी को, पहले पप्पी करो, पहले पप्पी करो, पहले पप्पी, पहले पप्पी, तो अब बात की ना है ठीक। पापा की तरफ देख रहे इतना, अरे पप्पी करो, पप्पी पप्पी करो, फिर लो 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 लो, पप्पी करो पहले, पप्पी करो, पप्पी करो, पप्पी करो, अजो कर लो, अजो दो तीन दिन तो चली जाएंगी, अगर लाडो ने खाया तो, हमने खा लिया तो एक दिन, एक दिन क्या एक घंटे भी ना चलेंगे, क्योंकि हम कम चटोर थोड़े ना हैं। अच्छी लगती है यार, बट कोई ना वेट कम कर रहे हैं यार, ऑयली चीजें नहीं खाएंगे हम। अच्छा एक तो खा ही ले, लो तेरी मम्मी मत खाओ, दोस्तों को खिला दो, दोस्तों को खिला दो, खिला दो, लो पाजा पापा को खिला के आओ, जाओ गाइस। लाडो को पड़ रही है डांट, आप लोग देख सकते हो। अच्छा तुम कसम हार गए ना, हम घूमने सवार है, तो लाडो के पापा डांट रहे हैं लाडो को। आप लोगों को पता है इनकी, इन्हें इन्हें डांट क्यों पड़ रही है? इन्हें खैर ये तो भी समझती नहीं, इन्हें क्या ही पता, इन्होंने अपने पापा का फोन खराब कर दिया फिर से, छोटा वाला वो देखो सही कर रहा हूँ, और नहीं हो रहा, इन्होंने मुंह में भर लिया उसे, चूस चास के रख दिया फोन। हम इधर खिचड़ी में निकालने में लगे हुए थे। सो गाइस ये रही माई अंबिका, इन्होंने खाई है पहले मार, फिर खाई है दाल, और अब कर रही है शैतानी, है ना, मुंह धुलाना है अभी तक। लो गुड्डे को भी खिलाएंगी दाल, गंदी थाली में खेल रहा बच्चा मेरा। सो गाइस अब हम लोग खाना खा के लेटे हैं, और हमारी लाडो छोने न दे रही है, सोने न दे रही है लाडो हमारी। हाँ क्या खिचड़ी तो खाई है तुमने, अब सो जाओ। सो गाइस घड़ी में हो रहा 3:30, थोड़ी देर आराम करके फिर शूट करते हैं शॉर्ट वीडियो ना लाडो। टाटा करो, टाटा करो, सबको ताता, सबको ताता, हम तीनों लोगों की तरफ से सबको राम राम। प्यारे प्यारे कमेंट करिए दोस्तों। देख लो ये इतनी छोटी हैं और लाइट ऑन ऑफ कर लेती हैं, फैन ऑन ऑफ कर लेती हैं। उसमें उंगली डालती हैं जहाँ पे हम प्लग लगाते हैं। ये बंदर तो तबाह करते ही थे, अब हमारे घर में एक और बंदर हो गया। आप लोगों को पता है ये क्या है? दीपक, जिस मिट्टी का जिसमें हम चिराग जलाते हैं, ये हमारे घर पे हमारे बाबा बनाते थे, और हम लोग आवे में उसे पकाते थे, तो जो कम पकता था अच्छे से, मतलब टाइट नहीं होके पकता था, मुलायम रहता था, और आधा जला आधा पका ऐसा होता है ना, वो खाने में बहुत टेस्टी लगता था। तो ये इसको देख के मुझे याद आ गई यार उसके, अब मन कर रहा खा लूं, खा लूं क्या देखूं। वो वाला टेस्ट ना है इसमें, परेशान मत हो, अंदर नहीं जाने देंगे, थूक देंगे, बस जबान का टेस्ट है। लाडो के पापा आ गए तो पकड़ के कूटेंगे हमें, हमारी लाडो पेट में थी ना। 1 मिनट जब हमारी लाडो पेट में थी तो बहुत मन करता था मेरा खाने का मट्टी, पर अब यहाँ कहाँ रखी तो खाऊं। इनके पापा बहुत निगरानी रखते थे हम पे, कहीं मैं मट्टी ना खा लूँ। चाक खाती थी मैं,
अंदर नहीं मतलब नंगाती नहीं थी, पर मुंह में चलाती रहती थी, फूट ना रहा है। थूकूंगी अंदर नहीं करूंगी। लोग कह रहे हैं क्या खाली मिट्टी है। हमारे घर पे हमारी दादी इतना खाती थी ये मिट्टी, पकी हुई मिट्टी, फिर उन्हें कैंसर हो गया बाद में, तब से हमारे घर में सब डर गए, कोई ना खाता, हमने भी छोड़ दी। उन्हें मैं जब कॉलेज पढ़ने जाती थी ना, बैग में ले जाती थी छुपा के, और वहाँ अपने फ्रेंड को खिलाती थी। बट कोई ना, मैं थूक दूंगी और ब्रश भी करना पड़ेगा अब तो, वरना दांत खिसकेंगे। ये मिट्टी उतनी अच्छी ना है यार, इसमें खिसक रहा है बालू जैसा। जो हमारे यहाँ गांव की मिट्टी है ना, वो बहुत अच्छी होती है, वो काली मिट्टी होती है, उसमें रेता बिल्कुल ना होता है, वो बिल्कुल मिट्टी ही होती है, चिकनी वाली मिट्टी, काली वाली, बहुत अच्छी लगती है खाने में। प्रोडक्ट हो गई है, दिखाऊं? और लॉर्डो के पापा जिस काम के लिए रुके थे ना, वो काम करने गए। मैं फटाफट कर लेती हूँ घर की सफाई, फिर देखते हैं यार, टाइम भी हो गया 4:30 हुआ फिलहाल। मैं फटाफट ब्रश कर लेती हूँ, मुँह गंदा हो गया। मैंने भी क्या खा लिया यार, तो गैस मुंह खराब हो गया मेरा। अब तो गैस मैंने कर लिया ब्रश, मुंह खराब हो गया यार। चलो कोई ना, अब इस मिट्टी को देख के मेरा मन तो नहीं करेगा कि मैं इसे खाऊं, क्योंकि मेरे दिमाग में तो अपने गांव वाली मिट्टी का टेस्ट बसा है। अच्छा लग रहा है ये भी वो ऐसी होगी, उतनी अच्छी होगी, बट नहीं, ये रेतीली है मिट्टी, अच्छी नहीं है। कोई ना, मैंने खा के थूक दिया है और मुंह भी अच्छे से साफ कर लिया, ब्रश भी कर लिया है। तो गाइस घड़ी में हो गया है 5:35, और अब हमारे पति जो अभी आए नहीं है यार, लाडो को दे दिए मैंने अपने मेकअप के सामान को खेलने के लिए, तो उसी में लगी हुई है। और यार मैं फटाफट खाने की तैयारी कर लूँ, जितनी जल्दी खाना बन जाएगा उतनी जल्दी फिर लाडो रोने लगती है, मतलब रात होते ही लाडो रोने लगती है, इसलिए मैं जल्दी खाना बना लूँ यार। वीडियो शॉर्ट वीडियो मैंने शूट की, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। सो गाइस शायद कोई आया है, आ गए लाडो के पापा। बहुत देर लगा दी तुमने, लाडो को प्यार कर रहा है। हमारा भी तो दोपहर में हमारे बच्चे को। सो गाइस अंबिका के पापा आ चुके हैं और वो लाए हैं जलेबी। तो मैं पहले ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ। ठाकुर जी को, ये रहे हमारे छोटे छोटे प्यारे छोटे ठाकुर जी, हमारे कान्हा जी, इन्हें भोग लगा देते फिर खाते हैं। हमारी YouTube फैमिली सब्सक्राइब कर लो साहब, जलेबी खिलाएंगे, चैनल मोनोटाइज हो जाएगा, तो जलेबी का भंडारा करेंगे हम। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, एक लाइक एक कमेंट प्यारा सा प्लीज। बहुत मीठी है। सो गाइस घड़ी में 10:05 बाकी हैं, और दोस्तों हमने आज बनाई थी खिचड़ी उड़द के दाल की, क्योंकि लाडो के पापा के मुंह में छाला है, मैंने बताया था, तो इनके लिए मतलब सॉफ्ट जो पच जाए, ज़्यादा पेट में भारीपन ना हो, तो मैंने खिचड़ी बना दी थी इनके लिए, और भैया ने भी वही खा ली। और ये लाडो हैं, तो समझो इनकी बात को, ये क्या कह रही हैं, तो ये सोने का नाम ना ले रही हैं। मैंने बर्तन तन धुल लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ ब्लॉग एडिट करूँगी, उसके बाद एक आध घंटा लाइव रहूँगी, फिर सोएंगे यार, थकान हो गई आज तो।
और गाइस अंबिका क्या कहना है तो चलो दोस्तों फिर आप मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।